हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शर्मा। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ होममेड क्ले। सो पेपर मैसी क्ले यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे, जो कि नॉन ब्रेकेबल होगा, इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ ओल्ड नोटबुक। अगर आप ओल्ड नोटबुक को यूज़ करते हैं तो 25 से 30 पेपर्स ले सकते हैं। आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर्स को छोटे छोटे पीसेस में आपको फाड़ लेना है, पेपर को टियर कर लेना है स्मॉल पीसेस में। मैंने अपने पेपर्स को टियर कर लिया स्मॉल पीसेस में। एंड अब इसे जो है हम एक पॉट के अंदर वाटर के साथ डिप कर देंगे। आपको मिनिमम 6 आवर्स इसे डिप करके रखना है, अगर आप बॉइल्ड वाटर में करते हैं। एंड अगर आप नॉर्मल वाटर में इसे डिप करते हैं तो आपको 12 आवर्स के लिए पेपर्स को वाटर में सोक करके रखना है। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ग्लू, क्लियर ग्लू या कैमल ग्लू के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ ही यूज़ करना है पेपर पल्प, जो कि पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, इसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया है। कैमल ग्लू, पेपर पल्प एंड चॉक पाउडर, 3 इंग्रेडिएंट्स से हम यहाँ पर क्ले अपना कंप्लीट करेंगे। सो मैंने अपनी एक बर्तन में पेपर पल्प ले लिया है एंड इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा क्लियर ग्लू। ट्रांसपेरेंट ग्लू जो है वो आपको इसमें ऐड करना है एंड इसके साथ ही इसे प्रॉपर से हम मिक्स करेंगे ताकि ये लम्प्स फ्री हो जाए और स्मूथ बन जाए। एक स्मूथ पेस्ट आपको पेपर पल्प एंड ग्लू का कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा पल्प जो है वो बहुत स्मूथली हो गया है एंड इसमें अब मैंने चॉक पाउडर ऐड किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें चॉक पाउडर ऐड करें, बहुत ज़्यादा एक साथ आपको नहीं मिक्स करना है। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी इसमें चॉक पाउडर की ऐड करनी है एंड इसे प्रॉपर से मिक्स करना है एंड तैयार करना है एक डो। देख सकते हैं ये डो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, फाइनल स्टेज पर है। प्रॉपर से इसे मैश करना है ताकि बिल्कुल लम्प्स ना हो, लम्प्स फ्री आपका डो होना चाहिए बिना लम्प्स के। और ये फाइनल स्टेज पर है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप कैरी बैग में रख सकते हैं।
सो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। अपने हैंड्स पर ऑयल लगाने के बाद इसे स्मूथ करना है थोड़ा सा और फिर इसे हम अच्छे से प्लास्टिक बैग में पैक करके रख देंगे। सो यहाँ पर हमारा क्ले जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फाइनल स्टेज पर है। अब इसे हम पॉलिथीन के अंदर कैरी बैग के अंदर रख देंगे अच्छे से। आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि इसमें एयर ना लगे ये वर्क करता रहेगा। काम करने से पहले हाथ में ऑयल लगा लें और उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट करें। तो एक एक पेटल को जोड़कर यहाँ पर हमने हमारा रोज़ कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट आपका फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं मोल्ड यूज़ करूँगी। ये मोल्ड मैंने कैसे बनाया इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये मोल्ड मैंने यहाँ पर रेडी किया है, तो उसका यूज़ करूँगी मैं टेक्स्चर के लिए। थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगाने के बाद ही आप इसका यूज़ करें। इस मोल्ड को कैसे बनाना है इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और भी बहुत सारे आइडियाज़ के लिए मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें। सो मिलेंगे नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बनी रहे मेरे साथ और सपोर्ट करें।